ये तो इनकी प्लानिंग थी दंगे भड़काने की, करौली, करौली के बाद में जोधपुर के अंदर, रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है वहाँ पे भी। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता नेता प्रहलाद पटेल के भतीजे सतीश पिता दिवाकर इस घटना के मुख्य आरोपी। ऐसे लोग जो समय आने पर जरा सी कोई बात होने पर सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं, भड़काऊ बात करते हैं और ऐसे माहौल बनाने का काम करते हैं जिससे कि शहर का वातावरण खराब हो, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई तुरंत हो। मध्य प्रदेश में चांद रात के दिन बुरहानपुर इलाके में बीजेपी का एक लीडर है, उसका भतीजा सतीश दिवाकर, प्रहलाद पटेल जो बीजेपी का नेता है उसका भतीजा सतीश दिवाकर, इसने दंगा भड़काने की कोशिश की और दंगा भड़काने के लिए खुद भगवान की मूर्तियों के साथ इसने छेड़छाड़ की, जो सीसीटीवी कैमरे में इसकी यह हरकत कैद हो गई। जिस तरह से ईद वाले दिन, ईद के साथ साथ हिंदुओं के भी त्यौहार थे, इसी वजह से काफ़ी संवेदनशील माना गया था ईद वाले दिन को, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह के आदेश दिए गए थे योगी सरकार के जरिए, और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से ईद अदा की गई। वो अलग बात है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई और लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि कांवड़ की जब यात्रा निकलेगी और जब पंडाल लगाए जाएंगे रोड पर तो उस वक्त भी हम ज़रूर उन दृश्यों को दिखाकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि हफ्तों के लिए रोडों को बंद किया जा सकता है लेकिन 10-15 मिनट की नमाज के लिए जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, वो जाहिर सी बात है पूरी बदले की राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो गणेश मंदिर की मूर्ति की आँख फोड़ दी, थोड़ी दूरी पर स्थित भगवान रामदेव की मूर्ति का हाथ तोड़ दिया, उसी गणेश मूर्ति को तोड़ने पर 2008 में दंगा हुआ था। जिस गणेश मूर्ति को तोड़ा गया है उसी मूर्ति को तोड़ने पर 2008 में मध्य प्रदेश में दंगा हुआ था, और वही हरकत बीजेपी के नेता के भतीजे के जरिए ये की गई। वो तो शुक्र मानिए, जिस तरह से आपने देखा था अयोध्या में कुरान के नुस्खे जिस तरह से फेंके गए थे मस्जिद के बाहर, और उसमें अयोध्या पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। योगी आदित्यनाथ तक की लोग तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरह से इस मामले को टैकल किया और तमाम आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से सलाखों के पीछे पहुंचाया। वो अलग बात है कि किन धाराओं में दर्ज किया जाता है केस, वो अलग बात है कि सिर्फ अगर मुसलमान इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसके घर पर 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला दिया जाता है, चाहे वो घर उसके बाप, उसके माँ, उसके भाई, उसके बहन, किसी के भी नाम हो, लेकिन अगर वो रहता है उस घर के अंदर तो उसको बिना कोर्ट की कोई परमिशन के, बिना कोर्ट की कोई इजाज़त के उसको उड़ा दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। अब इस मामले में भी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने गिरफ्तार किया बीजेपी के जो नेता का भतीजा है उसको, और उस पर जो धाराएं लगाई गई हैं 294 लगाई गई है, सिर्फ मामूली सी धारा लगाई गई, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज ना होता, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार ना किया होता तो एक बड़ा दंगा भड़क सकता था, क्योंकि अगले दिन और पर जिस तरह से इसमें प्रोसीजन निकाला जाता है हिंदुओं का जो त्यौहार था उसमें हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, बताया जा रहा है कि 1,00,000 के करीब उस जुलूस के अंदर मौजूद थे लोग, तो क्या हो सकता था, एक बड़ी घटना घट सकती थी मुसलमानों के ऊपर, जिस तरह की आफत आ सकती थी। खरगोन में आपने जैसा देखा कि मस्जिद के सामने हंगामा किया गया, उस पर थोड़ा सा रिएक्शन हुआ तो उसके बाद किस तरह से मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया, गिराया गया। इस पूरे मामले पर अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती होने की वजह से उस वक्त शहर के अंदर 1,00,000 लोग की भीड़ मौजूद थी। पूर्व एमपी हैं वहाँ के अरुण यादव, उन्होंने पीसी की है और पीसी करके इस पूरे मामले पर प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े किए। कॉन्सेंट्रेटेड है हिंदुओं का, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है और बाबा रामदेव का भी मंदिर है। करीब 11:30 बजे ये पता चलता है कि किसी ने हनुमान जी की मूर्ति को कि एक आग को खराब कर दिया, तोड़ दिया, और बाबा रामदेव जी की मूर्ति का एक तरफ के हाथ को तोड़ दिया। तब ये चर्चा शहर में फैलने लगी और
दोनों तरफ से लोग एक्टिव होने लगे। हिंदू लोग भी सोहे के स्तर की घटना हुई तो थोड़ी सी लोगों में उपापोह की स्थिति बनने लगी। तब मैं हमारे स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता, पुलिस को, दोनों ने प्रोएक्टिव होकर वहां पे अपनी टीमों को भेजा। हम लोगों ने भी दोनों तरफ से हिंदू भाइयों को भी मुसलमान भाइयों को भी कहा कि जब तक इसकी हमें ऑथेंटिक जानकारी न मिल जाए हमें शांति बनाकर रखना, क्योंकि हमारे कल तीन त्यौहार है 3 तारीख को। जब सारी डिटेलिंग की गई और सीसीटीवी कैमरे से जानकारी ली गई तब ये बात सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता नेता प्रहलाद पटेल के भतीजे सतीश पिता दिवाकर इस घटना के मुख्य आरोपी। पुलिस ने उनको धर दबोचा, उनको पकड़ा गया रात को करीब 12-1 बजे और उनके खिलाफ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है की गई। इस पूरे मामले को लेकर इलाके में जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उनके अंदर गुस्सा है और वो इस पूरे घटना के बाद सवालात खड़ा कर रहे हैं कि आखिर पुलिस किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, कि क्या किसी बड़े हादसे का, किसी बड़े उसका इंतज़ार कर रही है, कि इसको लेकर किस चीज़ का वेट किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है और जिस तरह की धाराएं लगाई जा रही हैं उसको लेकर भी सवालात हो रहे हैं और इसी की वजह से लोग पुलिस के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। सुनिए एक और। पिछले 2 दिन से बुरहानपुर शहर में त्योहारों के समय माहौल खराब करने का काम सांप्रदायिकता, छोटी छोटी बातों को लेकर सांप्रदायिकता भड़काने का काम पार्टी विशेष के लोग कर रहे थे। हमने आज सम्माननीय SP महोदय का धन्यवाद दिया कि जिला प्रशासन के अथक प्रयासों से बुरहानपुर का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया और बुरहानपुर की जनता ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार मनाया, हम उनके आभारी है। बाकी हमने आज ये बात की कि जो लोगों का रिकॉर्ड, जो ऐसे लोग जो समय आने पर जरा सी कोई बात होने पर सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं, भड़काऊ बात करते हैं और ऐसे माहौल बनाने का काम करते हैं जिससे कि शहर का वातावरण खराब हो, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई तुरंत हो। और जिस प्रकार से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ में पुलिस प्रशासन ने और स्थानीय सरकार प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उससे कड़ी से कड़ी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई ऐसे पे भी की जाए जिसने मूर्ति को खंडित करने का काम किया है, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया है, बुरहानपुर को गंगा जमनी संस्कृति को तोड़ने का काम प्रयास किया है और इसके पीछे जिस जो भी साजिश है जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है उसकी भी बेनकाब हो और बुरहानपुर की जनता को अमन चैन शांति के साथ रहने का। तो देखा आपने जिस तरह से इन दो बाइट्स के जरिए, जिसमें एक पूर्व MP हैं कांग्रेस के उनकी और एक और बाइट आपके सामने आई है जिसमें सवालात खड़े किए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह की हरकत करके खासतौर से BJP के नेता इस तरह की हरकतों में पूरी तरह से लिप्त हैं। राजस्थान में आप देख रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, ईद के एक दिन पहले जिस तरह का वहाँ पर दंगा भड़का, इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया, मुसलमानों की ईद भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से सामने आ रहा है कि BJP के लोग इन्वॉल्व हैं, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आकर के इस पूरे मामले पर BJP को घेरा है और ये कहा है कि BJP इस तरह की हरकत करके देश का माहौल ख़राब कर रही है। ये तो इनकी प्लानिंग थी दंगे भड़काने की, करौली के बाद में जोधपुर के अंदर, रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है वहाँ पर भी। ये तो ठीक है, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर लिया, इसलिए छुटपुट घटनाएं हो गई, कहीं आगजनी हुई, हमने अरेस्ट कर लिया सब लोगों को, कुछ लोग भागते फिर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। पर ये हमने तय कर रखा किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे और ये जो इनकी हरकतें हैं इनका मुकाबला करेंगे। हम चाहेंगे कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करें। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, पहला कर्तव्य हम लोग अमन चैन कायम रहे, शांति भाईचारा प्रेम मोहब्बत रहे आपस के अंदर, ये हमारा फर्ज सबका होना चाहिए। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, कि समय रहते हुए आप अपना जो सोच है उसको बदलो और सब हम लोग भाईचारे के साथ रहें, अपनी अपनी विचारधारा के साथ में राजनीति करें। हम कभी नहीं कहते RSS की BJP की विचारधारा एक है।
वो उनके पास है, हमारी विचारधारा हमारे पास में है, आज हम सत्ता में नहीं वो सत्ता में है, उनको क्या चाहिए, सत्ता में है वो, तो तब भी अगर वो आग भड़काने की कोशिश करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून का राज स्थापित या होना चाहिए उस पर डिस्टर्ब करते हैं, तो कौन सरकार बर्दाश्त करेगी उनको। जनहित के अंदर में फैसले करने पड़ेंगे, और मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान को बख्शो, हम सब मिलके अपनी अपनी राजनीति करें, परंतु ये किसी को अधिकार नहीं है कि निर्दोष लोग मारे जाएं, आगजनी हो, दंगे भड़के, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये थी इस पूरे मामले पर जो मैं आपके सामने लेकर के जानकारियां आया। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।